दोस्तों, अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं और आप बहुत परेशान हैं बहुत सारी चीजों को सुन करके, बहुत सारी चीजों को अपना करके, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसे आप फॉलो करेंगे तो आपका जल्द से जल्द आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वजन बढ़ने के साथ साथ आपका मसल्स भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आपका स्वागत है मुराद अली फिटनेस में, मैं हूँ आपका दोस्त मुराद अली। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके अपना जल्द से जल्द आप अपना वेट वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत परेशान हैं अपने दुबलेपन से, अपना वेट नहीं बढ़ रहा, आप बहुत सारी चीजों को अपना चुके हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा, तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका वजन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वजन के साथ साथ आपका मसल्स भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। टिप नंबर में आते हैं, आप सुबह का नाश्ता करते हो या रात का खाना खाते हो, उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सुबह का नाश्ता आप जो भी करते हो, ब्रेकफास्ट जब भी करते हो, तो आपको थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करना है, आपको ज्यादा खाना है ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट ज्यादा खा भी लेते हो तो आपके पास पूरा दिन होता है उसे बर्न करने के लिए, उस कैलोरी को बर्न करने के लिए। इसलिए आप ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा करो, ज्यादा से ज्यादा करो, और रात का खाना डिनर जो है वो काफी कम करना है, बहुत ही लाइट करना है। ब्रेकफास्ट आपको हैवी करना है और डिनर कम करना है। इससे क्या होगा कि आप रात में खाना कम खाओगे तो आपका डाइजेशन बहुत जल्दी होगा, डाइजेस्ट खाना जल्दी होगा और वो आपके बॉडी में जल्दी लगेगा। और दिन में आप ब्रेकफास्ट ज्यादा करते हो उससे आप एनर्जेटिक रहोगे। आप लोग अक्सर करते हैं कि सुबह में ब्रेकफास्ट की जगह पर चाय पी लेते हैं, कुछ नमकीन खा लेते हैं, बहुत थोड़ा सा खाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्रेकफास्ट आपको बहुत ही अच्छा करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपको क्या क्या खाना चाहिए उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। वहां से ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना चाहिए, आप हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि वो आपको हमेशा दिन भर एनर्जेटिक रखे। अब आते हैं अपने टिप नंबर 2 पे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपना बॉडी बनाना चाहते हैं, अपना मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है। आप एक्सरसाइज करें, कम से कम वीक में 3 दिन आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। होम वर्कआउट करना चाहते हैं, घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो मैंने होम वर्कआउट पे फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से आप चेक कर सकते हैं। आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं फुल बॉडी वर्कआउट। अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं कि आप जिम में क्या क्या वर्कआउट करें जिससे आपका बॉडी ग्रो करे, आपका मसल्स ग्रो करे और आपका वेट जल्दी से जल्दी गेन हो सके। हम आते हैं अपने टिप नंबर 3 पे, जो कि आप लोग बहुत बार ये गलती करते हैं जिससे आपका वेट गेन नहीं होता, वजन नहीं बढ़ता, आपका डाइजेशन खराब रहता है, आपका पेट में प्रॉब्लम रहती है, आपका खाना नहीं पचता, आपका डाइजेशन खराब रहता है। आप अक्सर ये गलती करते हैं कि आप खाना खाने से जस्ट पहले पानी पी लेते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं, या खाना खाने के दौरान आप लोग पानी पीते रहते हैं। ये कभी नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपका खाना जल्दी पचता नहीं है। आपके पेट में, हमारे पेट में जो एसिड होता है, जो खाना पचाता है, खाना पचाने वाला एसिड होता है, उसमें डाइल्यूट हो जाता है, वो हल्का हो जाता है ज़्यादा पानी पीने से, खाने से पहले पानी पीने से। इसलिए हमेशा खाने के 1 घंटा पहले ही पानी पी लो और खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिया करो। इससे क्या होगा, आपका खाना जल्दी पचेगा और गाइस, खाना जब तक नहीं पचेगा वो आपके बॉडी में नहीं लगेगा। तो खाना आपके बॉडी में लगने के लिए आपको खाना को पचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पानी जो भी पिए वो खाना खाने के 1.5-1 घंटे के बाद पिए, ना कि खाना खाने के तुरंत बाद पिए। ऐसा करने से आपको बॉडी इंप्रूवमेंट में जल्दी असर करेगा और आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और पानी आप अगर खाने खाने से 1 घंटा पहले पी के रखे रहेंगे, खाना खाने से तुरंत पहले अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको भूख भी रहेगी और आप खाना भी ज्यादा खा पाएंगे और वो आपको बॉडी वेट गेन करने के लिए ज्यादा फायदेमंद है और आपके मसल्स ग्रो करने के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब हम आते हैं अपने टिप नंबर 4 पे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने, बॉडी मसल्स को इम्प्रूव करने बहुत ही जरूरी है, वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। इन 3 कंपोनेंट का सही से सेवन करना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इन 3 कंपोनेंट को अगर हम बैलेंस करके खाते हैं तो हमारा बॉडी जल्दी ग्रो करता है, हमारा मसल्स जल्दी ग्रो करता है। तो इन 3 कंपोनेंट को हमेशा बैलेंस बनाए खाना चाहिए। और आपको अगर इसमें भी अगर प्रोटीन और विटामिन्स की मात्रा ज्यादा कर देते हैं तो आपके वेट गेन में बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपके मसल्स ग्रो में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप हमेशा प्रोटीन फूड और विटामिन्स को ज्यादा खाएं
और लेकिन इन तीनों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स इन तीनों को हमेशा बैलेंस बनाए खाएं। अब इन तीनों फूड्स में क्या क्या होता है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या फूड खाने से हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलेंगे, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां चेक कर सकते हैं कि आप क्या क्या खा करके आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं अपनी बॉडी में। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन और विटामिन इंटेक करेंगे तो वो आपका मसल्स ग्रो जल्द से जल्द होगा। अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि खाना पचेगा नहीं तो वो आपके बॉडी में लगेगा नहीं, तो खाने को पचाना बहुत ही जरूरी है। खाना पचाने के लिए एक आसन है वज्र, जिसे वज्र आसन कहते हैं, आप वो कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप अगर ये वज्र आसन करते हैं तो आपका खाना जल्दी से डायल्यूट होगा, जल्दी से पच जाएगा, तो वो आपके बॉडी में जल्द से जल्द लगेगा। इस पोजीशन में आपको बैठ करके वज्रासन करना है। आप 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 30 सेकंड से 5 मिनट तक जा सकते हैं। आप 30 सेकंड भी करें स्टार्टिंग में, धीरे धीरे आप उसे बढ़ाकर 5 मिनट तक ले जाएं। आप खाना खाने के बाद ये 5 मिनट तक कर लेते हैं तो आपका खाना पूरा डायल्यूट हो जाएगा, पूरा खाना पच जाएगा और वो आपके बॉडी में जल्द से जल्द लगेगा। तो इससे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा और आपका मसल्स भी ग्रो होगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इन 5 टिप्स को आप फॉलो करके आप अपना मसल्स बढ़ा सकते हैं, अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अपना वेट तो बढ़ा ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपना बॉडी मसल्स उसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसको फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।